अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो गाड़ी है टोयोटा करोला गाड़ी है, 2014 मॉडल है। गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी में ये लाइट आ रही है क्लस्टर मीटर में, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ये आपको नज़र आ रही है। आज हम इसको क्लियर करेंगे। इसको क्लियर किस तरह करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है। ये लाइट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, गाड़ी को बंद कर लेना, गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन कर लेना। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले ये नोब को प्रेस करना है। ये ट्रिप ए है, अगर 00 नहीं है इसको प्रेस करेंगे ये 00 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप बी को भी आपने 00 कर लेना है। फिर इसको दोबारा ट्रिप ए पे ला के बटन को प्रेस करके रखना है। ये जो नोब है इसको छोड़ना नहीं है। साथ ही इग्निशन स्विच हमने एक दफ़ा ऑफ़ करना है। ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, इग्निशन स्विच ऑफ हो गया। 5 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखना है और साथ ही इग्निशन स्विच दोबारा ऑन कर देना। वीडियो अकेला बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये ऑन कर दिया तो मीटर में आप देख सकते हैं, ठीक है, तो मेंटेनेंस वाली जो लाइट है वो चली गई है। गाड़ी को बंद करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट की और मेंटेनेंस वाली लाइट हमारी चली गई है। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।